हेलो ब्यूटीज, दिस इज वंशिका नंथा। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ वो है कोक स्टूडियो का सॉन्ग। और आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वंशिका कोक स्टूडियो पर सॉन्ग आ गया और इस पर प्लीज रिएक्ट करो, तो ऐसा हो सकता है कि कोक स्टूडियो पे गाना आए और मैं उस पर रिएक्ट ना करूं। तो फिर और जैसे मैंने आपका कमेंट देखा ना, मैं ऐसी थी कि सही में गाना आ गया। तो मैं ऐसे गई, मैंने देखा कि हाँ सही में कोक स्टूडियो पे गाना आया और जो गाना है उसका नाम है नेड़े नेड़े बस। और सीरियसली मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार देखो अभी तक कोक स्टूडियो में जितने गाने आए हैं, ठीक है बलोची लैंग्वेज में आए, हिंदी में आए, मोस्टली तो हिंदी में आए, लेकिन ये जो होने वाला है गाना, ये होने वाला है पंजाबी लैंग्वेज में। एंड इफ यू नो मी पर्सनली देन यू ऑल्सो नो आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स। और तुम प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें भी क्या पंजाबी सॉन्ग अच्छे लगते हैं, और अगर लगते हैं तो तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन सा है पंजाबी। और जो ये नेड़े नेड़े बस सॉन्ग है वो गा रखा है सोच द बैंड और बट ब्रदर्स। और सही बोलू तो मैं इनका पहली बार सॉन्ग सुन रही हूं और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लाइक कैसे गाने लाते, तो ये मेरा पहला टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है इनके साथ। तो मैं इसको गाने को सुनने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और क्या तुम भी एक्साइटेड हो? और प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि मेरे रिएक्शन से पहले क्या तुमने गाना सुन रखा था और क्या तुम बास को बाद में सुनने वाले हो। तो चलो यार तुम लोगों का ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके गाना सुनते हैं। सो तुम भी देखो, मैं भी देखती हूँ, लेट्स स्टार्ट। दिल लौड़ा नहीं तेरे बिना, आज कर ले फैसला, मेरी अखियां दी प्यास बुझा, पईयां तकदियां तेरियां रा मेहरमा। वाह, ओ दिल लौड़ा नहीं तेरे बिना, आज कर ले फैसला, ओ मेरी अखियां दी प्यास बुझा, पईयां तकदियां तेरियां रा। तेरा मुखड़ा मैं तकदी जां, कोले आ मेरे। कितना सुंदर गाना है। तेरा मुखड़ा मैं तकदी जां, कोले बैठ मैं तेनू मनावा, तकदी जां कोले ओ नेड़े नेड़े बस मनावा। वाह यार बहुत सुंदर। प्यार करदी जावां नेड़े नेड़े बस वे ढोला, मैं तेनू प्यार करदी जावां नेड़े नेड़े। वाह यार अभी तक जितने को स्टूडियो में गाया है ना, प्यार करदी जावां नेड़े नेड़े बस वे ढोला, मैं तेनू प्यार करदी जावां। छड परां बेलियां नू गल सुन मेरी, का तू दूर दूर रोज मेनू तकना है, मेरे लिए भी थोड़ा जिहा टाइम कट सोणिया, तो पीछे पीछे मेरे कोलों हटना है। छड परां बेलियां नू गल सुन मेरी, का तू दूर दूर रोज मेनू तकना है, मेरे लिए भी थोड़ा जिहा टाइम कट सोणिया, तो पीछे पीछे मेरे कोलों हटना। सोणी ते सुनखियां मैं नार तेरी वे, अखां नाल पाया वे तू जान मेरे ते, सोणी ते सुनखियां मैं नार तेरी वे। मैंने इन ब्रदर्स का पहली बार सॉन्ग सुन, बहुत तू रज रज वेखे न रोके मैनू तकना, तू मेरा परदा बन जावे, मैं बैठा बस तेरी छावे, तू मेरा शीशा बन जावे, के बस तू ही मैनू चावे, तू मेरा परदा बन जावे, मैं बैठा बस तेरी छावे, तू मेरा शीशा बन जावे, के बस तू ही मैनू चावे। हर मुखड़ा मैं तकदी जावा, कोले आ मेरे तेनू मनावा, तेरा मुखड़ा मैं तकदी जावा, कोले बैठ मैं तेनू मनावा, तकदी जावा कोले बैठ तेनू मनावा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। Oh,
ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾਹ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ बहुत ही ज्यादा सुंदर गाना था और जो इन्होंने बोला ना कि तू और मैं तो मेरे नेड़े आ मेरे नेड़े बैठ सजना तू ही मेरे साथ अच्छा लगता है यार वो बहुत ज्यादा सुंदर लाइन थी और सीरियसली मैंने आज तक सोच द बैंड और बट ब्रदर्स का कभी गाना नहीं सुना और मैं पहली बार सुना और मैं ऐसी थी कि यार कितना ज्यादा सुंदर और जब उन्होंने स्टार्टिंग करी ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये कोक स्टूडियो से रिलेटेड तो शायद नहीं है क्योंकि कोक स्टूडियो के गाने ना थोड़े अलग होते थोड़े से सॉफ्ट से होते दिन 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 ऐसे से होते ठीक है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सुंदर था और अभी तक लिटरली जितने सीजन 14 में सॉन्ग आया ना सबसे ज्यादा हटकर अगर बात की जाए तो मुझे ये ही लगा नेड़े नेड़े बस मैं मतलब मेरे नेड़े नेड़े बैठ सोनिया और इसमें यही बोला था कि एक बेसिकली लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड जो भी बोल सकते हैं लवर इज द बेस्ट वर्ड फॉर दिस कि क्या कहते हैं तू मेरे पास हाँ मैं तेरे को मनाती हूँ बहुत ही ज्यादा सुंदर वर्डिंग्स हुई है बहुत ही प्यारे लिरिक्स थे और मैंने बहुत ही ज्यादा इंजॉय करा एक तो ना मुझे पंजाबी सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छे लगते तो मेरे को बड़ा मजा आता है उनको सुनने में और ये भी पंजाबी था तो मैं ऐसे पूरा ऐसे गाने के अंदर ना खो गई टाइप थी और मतलब अभी 22 घंटे पहले आया और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे ये लिटरली आग लगा दी गाने में और सबसे ज्यादा अलग था और मतलब ऐसा होता है ना कि यार देखो जो कोक स्टूडियो में गाने आते हैं ना कोई सिंगर उनके मैंने गाने सुन ही रखे होते हैं लेकिन सही बोलूं मेरे को इस बैंड के बारे में भी कुछ नहीं पता था और तुम प्लीज कमेंट करके बताना अगर तुम्हें कुछ पता होगा तो मतलब मुझे भी जानकारी मिलेगी बहुत 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 ज्यादा सुंदर था और मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं ही किसी के लिए गा रही हूँ ये गाना मुझे बहुत ज्यादा रिलेट लगा और सही में यार तुम सोचो तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारा लवर है तुम्हें तुम उसको मन मतलब वो तुम्हें मनाए तो और क्या चाहिए है ना मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते कि जो मनाते हैं वाला टाइम तुम बहुत क्यूट होता है वो वाला तो ये सॉन्ग भी बहुत ज्यादा क्यूट था और अगर तुम लवर हो और तुम्हारा ऐसे तुम्हारा आशिक उदास होकर बैठा है तो उसको ये गाना बजाओ और भेजो आई मीन और अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छा गाते हो तो प्लीज भाई और बहन जो भी मुझे देख रहे हो उसको ये गाना सुनाओ वो लिटरली मान जाएगा और बहुत ही ज्यादा सुंदर गाना था तुम्हें कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुम नोटिफाई हो जाओ और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो सजेस्ट करा करो और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दो तो मिलती हूँ कल तब तक के लिए बाय बाय।